यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। अब कुछ क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट के टाइम कंज्यूमिंग है, उनको थोड़ा सा बाद में करिए, जो सिंपल है वो बिल्कुल पहले करिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसको आप इजीली कर सकते हैं। अ पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब एक पॉइंट किस पर है, लाइन पर है। जैसे ही लाइन बोला जाए ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, मेथड से तो कर सकते हैं पर उसकी जरूरत नहीं है। आप देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, जैसे 3, 5, 4, 2 हम रॉन्ग ढूंढेंगे, 2, 5, 5, -1, -1, 5, 2, -1, 0। जैसे अगर आपने यहां 3 रखा, 3 -1, 2/1, 5 रखा, 5 -3 कितना होता है, 2, 2/2, ये इक्वल है नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, राइट, आप इसको छोड़ दीजिए। इस पे आ जाइए बी पे, 2 -1, 1/1, 5 -3, 2/2, जेड कितना है, 5, 5+2, 7/7, ये हो सकता है। आप सी को भी चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक करना ही है तो आपको, पर सी में एक चीज देख के समझ में आ रही, जैसे ही -1 रखेंगे तो ये -2 होगा, पर यहां 5 रखेंगे तो +1, ये भी इक्वल नहीं है। डी पर गए तो डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि ये 2/7 है और 2 रखने पे ये 1 है, यानी आपको ये समझ में आ गया कि दिस इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन करने का अप्रोच अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप क्वेश्चंस को पहले निकाल सकते हो, वही चीज निकाल के लानी, जो मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके साथ कि आप पढ़ो ऐसे, इतने लॉजिकल, इतने कॉन्सेप्चुअल पढ़ो कि आप पेपर में से वो पहले 50-60 क्वेश्चन निकालो जिनसे आपका एक कट ऑफ 100% क्लियर हो, फिर उसके बाद जितना आप करेंगे वो आपके लिए बोनस होगा। ये एक बात ध्यान रखिएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है, इफ द लाइन x-4/1 y-2/1 z-k/2 lie on the plane 2x-4y + z = 7, then what is the value of k? कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये पॉइंट, इफ द लाइन lie on the plane, then what is the value of the k? अब एक चीज बताइए, लाइन अगर प्लेन पर कंटेन कर रही, बोला ना इफ द लाइन, ये लाइन जो है वो प्लेन पर है, इसका मतलब इसके पॉइंट होंगे 4, 2 and k, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, रख दीजिए 8-8+k = 7, तो आपको एक सेकंड में समझ में आ गया कि k का वैल्यू क्या हो गया, 7। फिर सुनिए, लाइन जो है, इफ द लाइन, आपको पता है लाइन कहां से पास हो रही है, 4, 2, k से, एंड कंटेनिंग द प्लेन, तो ऑब्वियसली प्लेन में कंटेन कर रही है तो प्लेन के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगी, तो 8-8 जीरो हो गया, तो k का वैल्यू 7 हो गया, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बिल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + mx + 2 = 0 ऑलवेज हैव रियल रूट्स, कब रियल रूट्स होंगे, तो b² > 4ac, सिंपल, तो b कितना है, m² > 8 या m² > 8 और = 8, तो c इज अ राइट आंसर, c इसमें डायरेक्टली दिया, मतलब सोचिए आप इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्टली मिले हुए हैं, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इस क्वेश्चन को चाहे तो फर्स्ट राउंड की जगह मैं आपको बोलूंगा सेकंड राउंड में कर लीजिएगा, स्कैनिंग राउंड में ना करें, iota -√3, पर क्वेश्चन लंबा नहीं है, इसकी शॉर्ट टेक्निक्स बताई हुई थी कॉम्प्लेक्स नंबर के रिवर्स में। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि आप इसे चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा दिमाग में ये रखना है, ये लिखने का फायदा, से माइनस कॉमन लिया, पावर ऑड है तो बाहर माइनस, √3 - iota/2, इसका एडवांटेज ये जेड हुआ तो ये जेड बार हुआ, और इसकी अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लें जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है, z = x + iota y हो, देन r·cos θ + iota sin θ, और डी मार्गस लॉ में एन आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान दें तो यहां पर थीटा कितना है, टेन इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, यानी 1/√3/2 तो कैंसिल, तो π/6 अगर है तो एक तरह से, और r है यहां पर 1, तो इसकी पोलर फॉर्म कुछ ऐसी होगी, cos π/6 + iota sin π/6 2^2019, शॉर्ट टेक्निक्स बता रहा हूं इसकी, क्योंकि कॉन्जुगेट है तो केवल माइनस का चेंज आता है, जब डी माइनस लॉ लगाएंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, आपको ऐसा मिलेगा 2 iota (sin 2019 π/6,
राइट। अब इसको अब आपको एक चीज समझ में आ गया कि आंसर पहला ए और बी नहीं हो सकते, वन और माइनस वन, या तो टू आयोटा या माइनस टू आयोटा, बस इसको देखना है ये कितना है। अब एक काम ये करिए कि इसको सिक्स के मल्टीपल पे लाइए, 2018 9 प्लस 2 3 से डिवाइड नहीं होता, 2016 देखिए 6 से डिवाइड होता है कि नहीं, 6 3 जा 18 3 6 3 यस। तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए 2 आयोटा साइन, स्मार्ट कैलकुलेशन हमेशा करते रहना चाहिए इनटू पाई, राइट। मतलब आप एक तरह से सोचिए, अगर मैं इसमें 6 का डिवाइड करने का बोलूं, यहां साइन लिखा है, तो आप बोलते 6 3 जा तो ये हो जाता 18, 6 3 जा 18 और 6 6 जा पाई प्लस पाई बाय 2, ये इवन है तो 2 पाई का मल्टीपल है, तो पाई बाय 2, पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर इज 2 आयोटा, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है ये क्वेश्चन, मैंने आपको कई बार समझाया है कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर कभी भी इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा बोले तो डिफॉल्ट याद रखना अल्फा मतलब ओमेगा, बीटा मतलब ओमेगा स्क्वायर, ये क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से निकला हुआ है, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 से निकला हुआ है। ये पूछा क्या है सुनिए, जे इक्वल टू 0 टू 3 अल्फा की पावर जे प्लस बीटा की पावर जे, क्वेश्चन काफी सिंपल है, अच्छा है। एक तरह से आप ऐसा सोचिए कि आपको बोला यहां पे गया, जैसे 0 रखेंगे तो अल्फा पावर 0 बीटा पावर 0, ठीक ऐसा है, फिर मतलब ओमेगा के टर्म में है ये क्वेश्चन, अल्फा पावर 1 बीटा पावर 1, अल्फा पावर 2 ये समझाने के लिए लिख रहा हूं बीटा पावर 2, अल्फा पावर 3 बीटा पावर 3। तो लॉजिक से देखें तो ये हो गया 1 प्लस 1 2, यहां पर आपको मिलेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी वही मिलेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, यानी 3 टाइम्स ऑफ आपको मिलेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यस और नो, 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां पर ओमेगा की पावर 0 थी ये आ गया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ओमेगा क्यूब 1, अच्छा ये क्यूब है ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पर ओमेगा 1 प्लस 1 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि ओमेगा क्यूब होगा 1 और ओमेगा 6 इज ऑल्सो 1, तो एक तरह से आपको मिल गया 2 प्लस 2 4 माइनस 1 माइनस 1, देन आंसर इज 2, 2 इज आर राइट आंसर। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिस्टेक होने के बहुत चांसेस थे, सेकंड राउंड में करने वाला क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया है, रूट से अल्फा बीटा, अब ये आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की इक्वेशन मिलती है, इसके रूट हमेशा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं, आपको एक तरह से ऐसा क्वेश्चन है ओमेगा पावर जे ओमेगा पावर ओमेगा स्क्वायर की पावर जे यानी ओमेगा पावर 2 जे और जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके 3 तक जाना, जब आप 0 रखते थे तो ये मिलता है, फिर जब आप 1 रखते हो तो ये मिलता है, जब आप 2 रखते हैं तो ये मिलता है, पर जब आप 3 रखते हैं तो ये मिलता है, ये एक चीज 2 हो गई, ये एक चीज 2 हो गई, इसलिए 2 प्लस 2 4 और माइनस 1 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, इससे इससे माइनस 1 निकला, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, सिंपल है इसलिए ले लेते हैं, क्या क्वेश्चन है सेट का, इन अ स्कूल 50% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 40% प्ले फुटबॉल, 10% ऑफ स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम, 10% बोथ द गेम, देन व्हाट परसेंट स्टूडेंट प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, सिंपल सा लॉजिक है, 50% लोग 10% ये हुआ तो 40% प्लस 10% 50 ये 30% हुआ, बस यही एक मिस्टेक होती है, तो 50 प्लस 30 कितना हो गया 80, यानी 20% लोग ऐसे हैं जो ना क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं, समझिए 100 लोग हैं मान लीजिए तो 50 लोग क्रिकेट खेलते हैं 40 फुटबॉल खेलते हैं 10 दोनों खेलते हैं, तो आप यही बनाते हैं ना 10, 40 एंड 30, तो 80 लोग खेल रहे हैं तो 20% ऐसे भी होंगे जो कुछ गेम नहीं खेल रहे होंगे, तो नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल 20%, यानी इसका आंसर होगा 20%, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समझिएगा, देखिए कई कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल है, उन्हीं में कुछ लेंथी क्वेश्चन छुपे हुए, लास्ट मिनट मैसेज जो था मेरा
उसमें मैंने बहुत स्ट्रिक्टली बोली थी कि हर दो क्वेश्चन के बाद एक छोड़ सकते हो, इवन हर क्वेश्चन के बाद, यानी 50% भी आप सही करते हैं तो पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी हर क्वेश्चन के बाद। पर अभी तक अगर हम पेपर देखें तो आप 2-3 क्वेश्चन के बाद, कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए दिया हुआ है एक्स सच दैट 0 to 2, यानी एक्स जो है वो 0 से 2 के बीच में। इसमें बी बोला है वाई, वाई इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब 2, 3, 5 ऐसा। अब बोला ए इंटरसेक्शन बी, देखिए यूनियन पूछा तो नहीं बता सकते थे, इंटरसेक्शन बोला है तो 0 से 2 में एक ही प्राइम नंबर होता है 2, और यहां पर भी 2, तो आंसर इज ओनली 2, 2 इज अ राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस में करवाया था, और ये तो सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन था एक्स इक्वल टू 1 + iota, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स पावर 6 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। अच्छा इसमें एक्स 6 एक्स 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक चीज बताई थी ध्यान हो, x माइनस 1 इक्वल टू, गलती मत करना x की वैल्यू रख दो, बहुत उलझ जाओगे, इसकी स्क्वायरिंग करिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, यानी एक तरह से x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, यस और नो? आपने इसको 1 को ट्रांसफर किया तो आपको ये पूरी रियल इक्वेशन मिल गई। आप ऐसा बोल सकते हैं x माइनस 1 आयोटा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, यानी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, या x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2, ऐसा कोई भी एक रिजल्ट दिमाग में रख सकते हैं। अब बिल्कुल इसको ऐसे ही बनाना है आपको, राइट। कैसे बनाएंगे वो देखिए, चाहे तो x4 कॉमन ले लें, x4 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1, 1 कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 1, देखिए इसमें से। अब x स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लें तो x4 प्लस 1, मैं आपसे बोलूं कि x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे इसका 1 ले लें तो ऐसा 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 2x माइनस 1, राइट। चाहे तो शॉर्ट के लिए कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल इस जैसा बनाना होता है, जो ये फॉर्म है वैसी फॉर्म आपको लेके आनी होती है। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 1, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर। देखिए कैसे, इसको ओपन करिए, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर से कैंसिल, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को वापस लिख दीजिए कितना 2x माइनस 1। ये तरीके होते हैं क्वेश्चन को इजीली करने के लिए, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, राइट। ओपन करिए, अभी आपको कंक्लूजन मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 1 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, राइट। इसका मतलब एक तरह से मुझे कुछ ऐसा मिल गया, समझिएगा, यहां कर लेते हैं, ये मिल गया 2x स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपको मिला 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 1। अब चाहें तो आप इसमें से फिर से x स्क्वायर की जगह वैल्यू रख सकते हैं, कैसे रखेंगे वो बताता हूं मैं आपको, यस। तो इस क्वेश्चन में यहां तक हम आ गए हैं। अब देखिए क्या करना है, यहां पर एक चीज याद रखिएगा आप, ये रिजल्ट हम यहां लिख लेते हैं जिससे दिक्कत ना हो, और इस क्वेश्चन को पहले राउंड में ना करें तो अच्छा है। 2x माइनस 1 एक तो ये ध्यान रखना है, दूसरा x स्क्वायर माइनस 2x का रिजल्ट भी ध्यान रखना है माइनस 2। अब देखिए आपके पास जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस 1 इनटू, ये एक तरह से मिला, आपको स्टेप समझाने के लिए लिख रहा हूं, कम से कम माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 1, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि देखिए आपके पास हमेशा देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2x माइनस 2, तो इस समय 2x माइनस 1 इनटू, इस एक्स स्क्वायर की जगह रखा आपने 2x माइनस 2 माइनस 4x प्लस ऑफ 1, तो देखिए 2x माइनस 1 इनटू 4x से 4x कैंसिल माइनस, तो माइनस ऑफ 3 मिला। एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं अगर इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 माइनस 6x मिला,
और x इक्वल टू दिया था 1 प्लस आयोटा, तो 3 माइनस 6 माइनस 6 आयोटा यानी माइनस 3 माइनस 3 आयोटा इज अ राइट आंसर। तो सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, पर इस क्वेश्चन को आप बाद वाले राउंड में कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। 2 प्लस, ये क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक में कई बार किए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन का आंसर का सीधा सीधा लॉजिक है। देखिए जैसे ऑप्शन ए देखें, रूट टू माइनस वन, रूट टू प्लस वन, थ्री एंड फोर। अब एक बात समझिए, 2 प्लस समथिंग है तो 2 से बड़ा आंसर होगा, तो ए नहीं होगा। और इस तरह के क्वेश्चन के आंसर न्यूमरिक भी नहीं हो सकते क्योंकि ये तो एंडलेस है, बढ़ते जाएंगे। तो आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है, ये दिस इज द रूट टू प्लस वन, ये करें हुए। बाकी मेथड से करना तो सिंपल, एक्स इक्वल टू टू प्लस वन अपॉन एक्स, एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। देखिए फैक्टर बनाया, 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 4 प्लस 4 अपॉन 2, देखिए आ गया 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाय 2 कैंसिल, 1 प्लस माइनस रूट 2, केवल 1 प्लस रूट 2 हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। पर इस क्वेश्चन के लिए पेन नहीं उठाना था, लॉजिक चलाना था कि ये हो नहीं सकता, 2 से बड़ा आंसर होना चाहिए, और 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन तो ये नॉन रिकरिंग, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, तो 3 4 नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज रूट 2 प्लस 1। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन, 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर पावर 5 प्लस 1 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर पावर 5, कितने टर्म होंगे। लॉजिक सिंपल है, देखने में 3 टर्म लग रहे हैं, पर ये 1 प्लस x का स्क्वायर है, ये लिखना नहीं है, 10 10 हो जाएगा पावर 1 प्लस, ये है 1 प्लस 2y की पावर 10, मतलब 5 का हो गया, तो ये भी 10 है ये भी 10 है, तो 11 टर्म इसमें 11 टर्म इसमें, तो नेट टोटल टर्म होंगे 22। राइट, 22 इज अ राइट, ये 1 प्लस x का स्क्वायर है, 1 प्लस 2y का स्क्वायर है। अब यहां पर एक चीज होगी, जब आप इसके टोटल टर्म की बात करेंगे तो क्या होगा कि जो टर्म सेम होंगे वहां पर आपसे मिस्टेक हो सकती है, तो ये आंसर दिया जा सकता है, कई लोग देने की कोशिश भी करेंगे। ये हो गया पावर 10 प्लस, ये हो गई 1 प्लस 2y की पावर 10। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें भी एक 1 मिलेगा, राइट, और फिर मिलेंगे 10c1 इंटू एक्स, ऐसे टर्म मिलेंगे पूरे x वाले, ऐसे इसमें 1 के बाद 10c1 इंटू 2y ऐसा मिलेगा। तो अगर हम इसमें 101 ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ये टर्म और ये टर्म, यानी टोटल टर्म इसमें होंगे 21। मिस्टेक हो सकती है 22 वाली देख के, पर याद रखिएगा जब पूरी सीरीज हम अरेंज कर लेते हैं उसके बाद इसका आंसर देते हैं, तो करेक्ट आंसर इज 21।